Hello students, this is the one another classical problem of interprocess communication or synchronization. The name is sleeping barber problem. So you know very well what is barber. Barber jo aapke baal kaatta hai nahi abhi kaise. So sleeping barber problem exactly hai kya? Agar aap log kabhi bhi jab baal katane hair cutting ke liye aap jab barber ki shop jaate hain तो आप कभी एक स्ट्रक्चर देखते होंगे, प्लीज़ ट्राई टू लिसन द आइडिया एग्जैक्टली क्या वहाँ पर प्रॉब्लम होती है. एक मान लो कि देर इज़ अ बार्बर शॉप जहाँ पर आपकी वन बार्बर चेयर है, वन बार्बर है, एक बार्बर चेयर और कुछ चेयर्स रखी होती हैं जो आपकी वेटिंग चेयर्स होती हैं. जहाँ पर कोई भी कस्टमर आता है तो देखता है कि कोई बार्बर चेयर अगर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो वो क्या करता है, वेट करता है. ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को. तो वन बार्बर, ओके, वन बार्बर चेयर जिसपे जो कस्टमर आएगा वो बाल कटाएगा और कुछ एन चेयर्स जो आपकी वेटिंग कस्टमर्स के लिए होंगे. तो एग्जैक्टली होता कि जब आप बाल कटाने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, आप चेक करते हो कि यार पहले तो ये करते हो कि नंबर ऑफ कस्टमर्स चेक करते हो. तो कस्टमर्स देखते हो कि क्या लेस देन चेयर्स हैं, जितनी वहाँ चेयर्स अवेलेबल हैं. अगर चेयर्स अवेलेबल होते हैं तो आप बैठ भी सकते हो या फिर आप दुकान को छोड़ के चले जाते हो. सेम सिचुएशन होती है. मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ. ध्यान से आप अगर आप इस डायग्राम को देखने की कोशिश करोगे तो ये बार्बर की शॉप है, ये आपकी बार्बर की चेयर है, इस आपका एक बार्बर इसमें करंट में सो रहा है. ये क्यों सो रहा है अभी मैं आइडिया आपको दूंगा एग्जैक्टली. ठीक है, ये आपका कस्टमर है जो बाल कटाने के आ रहा है, ये आपका वेटिंग कस्टमर जो स्टिल थिंकिंग स्टेट में कि मैं आपकी शॉप में एंटर करूं कि ना करूं. ये सो क्यों रहा है, ये अभी मैं आइडिया आपको डिस्कस करने वाला हूं. अभी सोच लो, अज्यूम कर लो ये जग रहा है, तो एक बार्बर चेयर, ये एन चेयर्स हैं जो वेटिंग कस्टमर के लिए. मींस एक बंदा, अगर पहला बंदा, पहला कस्टमर आएगा तो वो डायरेक्टली कहाँ बैठेगा, इस चेयर पे बैठेगा. अगर दूसरा बंदा आएगा तो वो कहाँ बैठेगा, वेटिंग चेयर्स पे बैठेगा. ये कुछ आइडिया होने वाला है. तो देखो एग्जैक्टली इस पूरे जो बार्बर हेयर कटिंग का जो प्रोसीजर है, हम लोग कोई कस्टमर अगर बार्बर शॉप में एंटर करता है तो क्या सोचता है, और जो कस्टमर ऑलरेडी बार्बर शॉप पे वो क्या सोचता है और बार्बर क्या सोचता है, ये सारी सिचुएशंस को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे. व्हाई? बिकॉज अगर आप ध्यान से सुनो करो तो यहाँ पर जो चेयर है, जो आपकी बार्बर चेयर है, वो शेयर्ड है. इस चेयर के लिए लड़ाई हो सकती है. भाई मान लो कि एक बंदा यहाँ पर वेटिंग पे बैठा हो, कोई बंदा डायरेक्ट आए, डायरेक्ट जैसे ये उठे तुरंत वो बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना. तो फाइट हो जाएगी. तो जो फाइट हो जाएगी उसे क्या बोलोगे, रेस कंडीशन बोलोगे. द प्रॉब्लम ऑफ अ प्रोग्राम के हम लोगों का अब प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, हमें क्या करना है कि हमें बार्बर और कस्टमर का एक सॉल्यूशन बनाना है विदाउट गेटिंग द रेस कंडीशन. रेस कंडीशन ना है, रेस कंडीशन क्या होती है ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स में डिस्कस कर रहा हूँ. रेस कंडीशन कि एग्जैक्टली फाइट हो रही है किसी भी रिसोर्स को ऑक्यूपाइड करने के लिए. तो एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं अब आपको डिस्कस कर रहा हूँ. हे, सो आर आइडियाज टू डिजाइन अ सॉल्यूशन टू सॉल्व द रेस कंडीशन एट बार्बर शॉप. Because there are a fight, there may be a fight for a barber chair. There may be a fight to grab the barber chair. So how this all happened, we will discuss soon. Okay, before telling the solution, telling actually जो मैंने एक exactly program बनाया उसके लिए क्या क्या use हो रहा है वो मैं आपको discuss करने वाला हूँ. Hey, एक variable होगा customer, ये भी basically सीमा फोर variable है. एक variable होगा barber, ये भी सीमा फोर variable है. एक है म्यूटेक्स, ये भी सीमा फोर वेरिएबल है. म्यूटेक्स इज जस्ट अ लॉक. एक्चुअली लॉक कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेगा वो आपको यहाँ पर एनालाइज करना है. हे, कस्टमर बेसिकली ये बताता है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स आर प्रेजेंट इन द बार्बर शॉप. मीन्स टू से वॉट, एक चीज ध्यान रखना है, एक्सक्लूडिंग द बार्बर प्रेजेंट ऑन टू द सॉरी एक्सक्लूडिंग द कस्टमर इन द बार्बर चेयर. जो बार्बर चेयर जो बाल कटा रहा है, जो वो वेटिंग में नहीं है ना, जो उसके अलावा, ध्यान से सुनो, बार्बर चेयर पे जो कस्टमर बाल कटा रहा है उसके अलावा जो चेयर्स हैं उन पे नंबर ऑफ कितने कस्टमर्स हैं उनका काउंट बताएगा. ये बार्बर का काउंट बताएगा या बार्बर जीरो होगा या वन होगा. भाई एक बात बताओ, सुबह सुबह जब शॉप में आपकी बंद होती है तो बार्बर कितने होते हैं, शून्य, जीरो, या फिर मान लो आपकी बार्बर शॉप ओपन है. ठीक है, तो अगर मॉर्निंग में कस्टमर आ जाए बार्बर के आने से पहले तो बार्बर की वैल्यू क्या होगी, जीरो. ऐसा हो सकता है ना, रियल टाइम पॉसिबिलिटी. म्यूटेक्स है, एक लॉक है और एक वेटिंग वेरिएबल ले रखा है.
दीज थ्री आर सिमाफोर, बट जो वेटिंग है ये सिमाफोर नहीं, एक सिंपल एक वेरिएबल है जो कस्टमर की कॉपी स्टोर करके रखेगा. क्यों करके रखेगा वो मैं डिस्कस करूंगा. सिंपल वेटिंग कस्टमर एक्सक्लूडिंग द कस्टमर प्रेजेंट और सिट ऑन अ वार्वर चेयर, दिस इज सिंपल द आइडिया. तो रीजन मैंने यहाँ पर बता रहा है, रीजन फॉर हैविंग द वेटिंग, क्योंकि हमारे पास कस्टमर की भी वही वैल्यू होगी, वही वेटिंग की होगी, तो हमने वेटिंग क्यों लिया. द रीजन फॉर हैविंग द वेटिंग इज दैट देर इज नो वे टू रीड द करंट वैल्यू ऑफ अ सिमाफोर. ऐसे सिचुएशन आएगी कि हम लोग कस्टमर की वैल्यू रीड नहीं कर सकते, तो हम लोग ये कॉपी बना के रखेंगे वेटिंग की. तो एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन. हे इन दिस सॉल्यूशन द कस्टमर एंटरिंग द शॉप हैंड द, सबसे पहले कस्टमर शॉप पे एंटर करेगा, काउंट द वेटिंग कस्टमर, ठीक है. इफ इट इज लेस देन द नंबर ऑफ चेयर्स ही स्टेज, अदरवाइज ही लीव्स. तो ये आपको अगर आइडिया समझ में आ रहा होगा, सिंपल वो आएगा, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर देखेगा, तो जितनी चेयर्स ऑक्यूपाइड, अगर वो चेयर फुल होंगी तो डेफिनेटली भागने वाला है. अगर चेयर फुल नहीं होंगी तो देर में भी ए चांस कि वो बैठ भी सकता है उन वेटिंग चेयर्स पे, या फिर बाहर भी जा सकता. एक और पॉसिबिलिटी कि वही पहला कस्टमर हो दुकान में घुसने वाला, तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, बार बार चेयर पे जाएगा, ठीक है. तो एक मैं मेन सॉल्यूशन यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ. मेन सॉल्यूशन क्या है, मैं कोड की एग्जैक्टली पहले मैं आपको कोड बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको बताने वाला हूँ, एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है. देखो यार, आराम से पूरा मैं एक बार ही रीड आउट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कोड समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझने आने वाला है. देखो ध्यान से, देखो देखो. व्हेन द बार्बर शोज अप फॉर द वर्क इन द मॉर्निंग ही एग्जीक्यूट द प्रोसीजर बार्बर. बार्बर का एक कोड दिखाऊंगा, वो अपना बार्बर अपना कोड चलाएगा, ठीक है. द बार्बर, अगर ध्यान से सुनो तो सबसे पहले क्या होगा, बार्बर मॉर्निंग में आएगा. प्लीज ट्राई टू लिसन एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सिंपल, बार्बर मॉर्निंग में आएगा, देखेगा कोई कस्टमर है, अगर कस्टमर है तो उसके बाल काटना स्टार्ट कर देगा, अगर नहीं है तो स्लीप मोड में चला जाएगा. पहली कंडीशन तो ये, पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई. दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कस्टमर आएगा, ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा, आके अगर बार्बर सो रहा है तो बार्बर को जगाएगा कि भाई मेरे बाल काट दे, ठीक है. बाल कटना शुरू हो जाएंगे, हेयर कटिंग हो जाएगी. तो हेयर कटिंग होने के बाद क्या होगा, सपोज दैट अगला कस्टमर आ गया, तो अगला कस्टमर क्या करेगा, वेटिंग चेयर्स पे बैठेगा. इसी तरीके से सपोज दैट के बार्बर के जैसे ही जो आपका बार्बर क्या हुआ, जैसे ही हेयर कटिंग कर दी, बार्बर चेयर पे बैठे हुए बंदे की, तो क्या करेगा, हो सकता है कुछ देर के लिए क्लीनिंग करे, क्लीनिंग के बाद वेटिंग वाले को चांस देखो. तो ये सारा चीज़ें थियोरेटिकल है, इसको मैं प्रोग्रामिंग वे से समझा रहा हूँ. प्लीज़ लिसन द आइडिया, ये मैं नोट्स आपको एक बार स्कैन करा दूंगा, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड. अब मैं कोड डिस्कस करने वाला हूँ. ओके, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया एग्जैक्टली क्या होने वाला है. हे एक चेयर्स, एक हम लोगों ने मैक्रो ले रखा है जिसकी वैल्यू 5 है, मतलब कौन सी चेयर्स हैं जो आपको मैंने डायग्राम में दिखाई थी, ठीक. उसके बाद सिमाफोर ले रखे, एक है कस्टमर, ध्यान से सुनो पहले एग्जैक्टली क्या होने वाला है. एक है कस्टमर, कस्टमर स्टार्टिंग में कितना होगा, 0 कस्टमर होगा, ठीक है. बार्बर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब 16 सुबह हो सकता है, मॉर्निंग उसने शॉप ना खेली. एक है म्यूटेक्स आपका, ये आपका एग्जैक्टली क्या है, लॉक वेरिएबल है. लॉक वेरिएबल मतलब सिंपली म्यूचुअली यूज्ड बाय ऑल द बार्बर एंड कस्टमर टू लाइक टू कंटेन्स और टू लाइक सेटिस्फाई द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर्टीज. एक और वेरिएबल ले रखा है मैंने वेटिंग, ठीक है. वेटिंग की भी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है. अब ध्यान से सुनो प्लीज फोकस करने की जरूरत है आप लोगों को. तो एग्जैक्टली मैं क्या करने वाला हूँ, सब लोग ध्यान से देखो. ओके फाइन, मैं सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो. एग्जैक्टली अगर मॉर्निंग में, मान लो ध्यान से सुनो, मॉर्निंग में अगर बार बार आएगा तो बार बार अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेगा. वाइल ट्रू, अगर ध्यान से देखो यहाँ पर दे रखा है डाउन कस्टमर. डाउन कस्टमर का मतलब मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अगर कस्टमर 0 हुआ, देखो डाउन कस्टमर का वैल्यू ये 0 का क्या चला जाएगा, -1 चला जाएगा. तो दिस इज नॉट द आइडिया. अगर ये -1 हो गया, तो मैंने हमेशा बताया कि बाइनरी सिमाफोर जो काउंटिंग सिमाफोर है नेगेटिव होता तो चीजें सस्पेंड हो जाती. तो मैंने लिखा हुआ गो टू स्लीप का मतलब ये किसका वेट करेगा, बार बार आया दुकान में घुसा, देखा कस्टमर तो कोई है ही नहीं, कस्टमर की वैल्यू 0 है, तो स्लीप मोड में चला जाएगा और वेट करेगा किसका, कस्टमर का, ठीक है. तो ये तो कोड चलने वाला नहीं है पहले बार बार का, तो हम पहले किसका कोड चलाएंगे, कस्टमर का कोड चलाएंगे. कस्टमर आया, ठीक, सबसे पहले क्या करेगा, म्यूटेक्स को डाउन करेगा. म्यूटेक्स को डाउन करने का मतलब है उसने लॉक एक्वायर कर लिया, ठीक. फिर चेक करेगा क्या वेटिंग
इज लेस देन चीयर्स, ऑब्वियस ही बात है. स्टार्टिंग में वेटिंग की वैल्यू जीरो का, वो अगर फर्स्ट कस्टमर है तो वेटिंग की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है लेस देन चेयर होगा, तो वेटिंग इक्वल्स टू वेटिंग प्लस वन. ठीक, अपने आप को वेट कराएगा. अप करेगा कस्टमर, कस्टमर ऑब्वियस ही बात है अगर जीरो होगा तो जीरो से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. अगर जीरो कस्टमर था, पहला कस्टमर आया, अप हो जाएगा. अब वो म्यूटेक्स को रिलीज कर देगा. क्यों रिलीज करेगा, उसका रीजन सोचो. म्यूटेक्स को रिलीज इसलिए करेगा कि भाई अब उसका काम तो खत्म हो गया, अब किसका काम चालू होता है, बारबर का काम चालू होता है. तो सपोज दैट स्टार्टिंग में डाउन अगर बारबर करोगे तो बारबर की वैल्यू जीरो है, तो डाउन बारबर, बारबर नेगेटिव होगा, तो क्या हुआ, कस्टमर वेट करेगा बारबर के होने का. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बारबर की वैल्यू सोच लो, मान लो वन है. ठीक है, बारबर की वैल्यू क्या है, वन है. या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो उसकी वैल्यू जीरो है. मान लो, पूरा मैं प्रोसीजर करके दिखा रहा हूँ, सारी पॉसिबिलिटी देखूंगा. चलो ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली कि बारबर जीरो है, तो डाउन बारबर करेगा गो टू स्लीप. अगर बारबर नहीं है तो कस्टमर सोने चला जाएगा एक तरीके से. कस्टमर बारबर को एग्जीक्यूट, तो एग्जैक्टली इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद भाई हमें बाल कटिंग तो मिलेगी नहीं, तो क्या होगा, बारबर आएगा. तो ध्यान से देखो, बारबर आएगा, कस्टमर को डाउन करेगा, उसे समझ में आ जाएगा कस्टमर आ गया, कस्टमर को डाउन किया. कस्टमर की वैल्यू क्यों घटाए, क्योंकि वो बंदा जो है वेटिंग से छोड़ के अब कहाँ जाएगा, बारबर चेयर पर चला जाएगा. म्यूटेक्स को एक्वायर्ड कर लेगा, जो म्यूटेक्स कॉमन है वो बारबर भी यूज़ कर रहा है और आपका कस्टमर भी यूज़ कर रहा है. कस्टमर ने छोड़ दिया वन वैल्यू, तो उसे कौन एक्वायर्ड करेगा, आपका कौन एक्वायर्ड करेगा, सोचो. बारबर एक्वायर्ड करेगा, वन की वैल्यू जीरो करेगी, वेटिंग को घटा देगा. ऑब्वियस ही बात है वेटिंग अब क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो तो बारबर चेयर पर आ गया. अप करेगा बारबर को, अपनी जो बारबर की वैल्यू थी वो जीरो थी, जीरो से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. और अप कर देगा म्यूटेक्स को. म्यूटेक्स के बाद अब ध्यान से सुनना, अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है, हम कहाँ छोड़ के गए थे, यहाँ प्रियम्प्ट किया था ना हमने. अब क्या होगा, बारबर क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा, गेट हेयर कट. ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही. सपोज दैट दूसरा केस समझते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया. मान लो, ध्यान से सुनो, ये म्यूटेक्स की वैल्यू है वन. ठीक है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी. सिंपल सी बात है, लॉक या फिर अगर कस्टमर अपना कोड एक्सिक्यूट कर रहा हो तो लॉक किसके पास होगा, कस्टमर के पास है. जैसे कस्टमर अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेगा, लॉक किसके पास चला जाएगा, लॉक को कौन पकड़ लेगा, बारबर पकड़ लेगा. तो ध्यान से सुनो, मान लो कि कस्टमर की मतलब होता है वो बंदा, कस्टमर की हमेशा वैल्यू वो रहेगी, वो बंदा या वो बंदे रहते हैं जो बारबर चेयर को छोड़ के बैठे होते हैं. मान लो यहाँ पर तीन बैठे हुए हैं, ध्यान से देखना. और ऑब्वियस ही बात है वेटिंग की भी वैल्यू कितनी होगी, थ्री होगी. ठीक है, और मान लो कि आपका बारबर की वैल्यू जो है वो वन है. ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें हैं. इस समय कस्टमर आएगा, ठीक, कस्टमर सबसे पहले म्यूटेक्स को डाउन करेगा. ठीक, सबसे पहले हमारे पास टोटल चेयर्स कितनी अवेलेबल है, पांच चेयर्स अवेलेबल है. डाउन करेगा म्यूटेक्स को, म्यूटेक्स को डाउन करने बाद चेक करेगा वेटिंग चेयर्स, वेटिंग इज थ्री, स्टिल थ्री इज लेस देन थ्री, कंडीशन इज टू. तो वेटिंग क्या करेगा, वेटिंग बढ़ा देगा, वेटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर. ठीक, कस्टमर की वैल्यू बढ़ जाएगी फोर. म्यूटेक्स को रिलीज कर देगा अपना काम, जैसे इतना काम उसका अपना है, म्यूटेक्स को रिलीज कर दिया. ठीक, सॉरी, म्यूटेक्स को रिलीज करने का मतलब जीरो से वन कर दिया. बारबर को डाउन कर दिया, बारबर को डाउन करने का मतलब बारबर को बिजी कर दो, वन से जीरो हो गया. और गेट हेयर कट, और गेट हेयर कट मिल जाएगा. सपोज दैट अगला कस्टमर आया, अगेन क्या करेगा अगला कस्टमर, अगेन वन को जीरो करेगा, फिर चेक करेगा वेटिंग इज लेस देन चेयर्स. वेटिंग कितनी, चेयर चार, चार से लेस देन चेयर्स, लेस देन चेयर्स, इसका मतलब अगेन वेटिंग क्या होगी, पांच हो जाएगी. कस्टमर को फिर से बढ़ा देगा, कस्टमर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पांच हो जाएगी. म्यूटेक्स को फ्री कर देगा, किसके लिए, बारबर के लिए, क्योंकि डाउन अब बारबर अपना बार, देखो डाउन बारबर का मतलब अब बारबर क्या कर रहा है, लॉक ऑक्यूपाइड कर रहा है, जीरो कर रहा है इसको. गेट हेयर कट, सपोज दैट एक और कस्टमर, आप ध्यान से देखना, एक और कस्टमर आया, म्यूटेक्स को आपने डाउन किया, सॉरी, ओके फाइन, मैंने म्यूटेक्स को अप कर दिया था इससे पहले. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक और कस्टमर आया, डाउन करेगा म्यूटेक्स को. ठीक, अब ध्यान से सुनो, वेटिंग की वैल्यू कितनी है, फाइव, फाइव इज लेस देन फाइव, कंडीशन इज ट्रू, मतलब देर इज नो वेटिंग या देर इज नो स्पेस फॉर यू. तो क्या हुआ, ये केस चलेगा, नहीं, अब म्यूटेक्स मतलब जो आपने, जो कस्टमर ने लॉक एक्वायर करा था, उसे रिलीज करेगा और भाग जाएगा दुकान से. ठीक, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो. सो दिस इज द वे हाई और लाइक स्लीपिंग बारबर प्रॉब्लम वर्क्स. तो ये पूरा कोड है, सिंपल है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्या रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी थ्योरी आपको रिपीट कर रहा हूँ. स्टार्टिंग से आप लोग प्रोसीजर सुनोगे, ध्यान से सुनो.
मान लो कि मॉर्निंग में बार बार आता है, ठीक है, अगर बार बार देखता है कोई कस्टमर नहीं, कोई कस्टमर नहीं तो स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक। अब कस्टमर आएगा, ठीक, तो कस्टमर क्या करेगा, बार्बर को उठाएगा कि भाई उठ जा मेरे बाल काट दे। तो कस्टमर क्या करेगा, सबसे पहले लॉक ऑक्यूपाइड करेगा। सबसे पहले कस्टमर जब भी आएगा वो लॉक ऑक्यूपाइड करेगा। लॉक ऑक्यूपाइड करने का मतलब है कि वो फिर लॉक ऑक्यूपाइड मतलब अपना ग्रैस्प कर लिया, फिर चेक करेगा क्या नंबर ऑफ जो वेटिंग कस्टमर्स हैं आर लेस देन चेयर्स। अगर हैं तो बैठ क्या करेगा, वेटिंग की वैल्यू बढ़ा देगा। वेटिंग की वैल्यू वही है कि जो वेट कर रहे हैं कस्टमर्स, ठीक। अपने कस्टम अब उसने अपना काम कर दिया, काम क्या कर दिया अपने, उसने सब कैलकुलेशन करने के बाद लॉक को फ्री कर देगा। अब कस्टमर, अब उसने क्या कर दिया, जो अब कस्टमर कस्टमर की वैल्यू को अप कर दिया, मतलब लॉक को रिलीज कर दिया। उसके बाद एग्जैक्टली सॉरी अब कस्टमर का वैल्यू मतलब है कस्टमर की वैल्यू को बढ़ा दिया, उसके बाद म्यूटेक्स को फ्री कर दिया, उसके बाद लॉक किसको मिल गया, बारबर को मिल गया। उसने लॉक को बारबर ने क्या किया, डाउन किया और गेट हेयर कट कर दिया। तो दिस इज द वे बारबर क्या कर रहा है, एग्जैक्टली कस्टमर की वैल्यू को घटा रहा है। क्यों, क्योंकि वो वेटिंग से उठा के कहां ले जाएगा, उसे बारबर चेयर पे ले जाएगा। ये डाउन लॉक को एक्वायर्ड करेगा, वेटिंग को घटा देगा, अपने अपना नंबर जो है बारबर मतलब बारबर चेयर पे बैठ जाएगा और फिर अगेन ये लॉक को फ्री कर देगा। तो दिस इज द आइडिया। इसको एक बार मैं थ्योरी भी आपसे थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, व्हेन अ कस्टमर अराइव्स, ध्यान से सुनना, ही एग्जीक्यूट द कस्टमर, ही एग्जीक्यूट द कस्टमर का मतलब ये वाला कोड चलाएगा, ठीक है। ही एग्जीक्यूट द कस्टमर बाय स्टार्टिंग बाय एक्वायरिंग द म्यूटेक्स, एक्वायरिंग द म्यूटेक्स का मतलब है म्यूटेक्स को यहाँ डाउन किया, एक्वायरिंग द म्यूटेक्स टू एंटर द क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन एग्जैक्टली क्या होता है, शेयर्ड होता है, क्रिटिकल रीजन चेयर के लिए होगा, ठीक है। क्रिटिकल रीजन बेसिकली जो बार बार चेयर है ना वही क्रिटिकल रीजन सबसे। इफ अनादर कस्टमर एंटर्स शॉर्टली देयर आफ्टर द सेकेंड वन विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अंटिल द फर्स्ट वन हैज टू रिलीज द म्यूटेक्स। बात समझ में आ रही है ना, पहला कस्टमर जब तक लॉक नहीं छोड़ देगा तब तक दूसरा वाला कुछ नहीं कर सकता, दूसरा वाला भी लॉक एक्वायर्ड करेगा फिर कैलकुलेशन करेगा, ठीक। थर्ड, द कस्टमर देन चेक्स टू सी इफ द नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर इज लेस देन द नंबर ऑफ चेयर्स, इफ नॉट ही रिलीजेस द म्यूटेक्स एंड लीव विदाउट द हेयर कट। ये देखो, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो म्यूटेक्स को फ्री करा और भाग जाएगा वहां से। अगला, इफ देयर इज अवेलेबल चेयर, ध्यान से देखो, अगर यहाँ चेयर अवेलेबल है, द कस्टमर इंक्रीमेंट्स द इंटीजर वैल्यू, वेटिंग को बढ़ा देगा, देन ही डजन अप ऑन द सीमाफोर कस्टमर दस वेकिंग अप द बारबर। एग्जैक्टली क्या कर रहा है, वेटिंग की वैल्यू बढ़ा रहा है, कस्टमर की वैल्यू बढ़ा रहा है, लॉक को रिलीज कर रहा है और किसे जगा रहा है, बारबर को जगा रहा है, ठीक, बारबर को जगाएगा। एट दिस पॉइंट द कस्टमर एंड बारबर आर बोथ अवेक, दोनों जग गए। जगने के बाद व्हेन द कस्टमर रिलीजेस द म्यूटेक्स द बारबर ग्रैब्स इट Does some housekeeping and begins the haircut. मतलब यहाँ से जो मैंने देखा डाउन बारबर के पास गेट हेयर कट, यहाँ यहाँ इस समय जो लॉक अवे किसके पास है, बारबर के पास है, वो हेयर कट भी कर सकता है, वो क्लीनिंग भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। When the haircut is over, the customer exits the procedure to leave the shop. This is the way how your like solution frames for a sleeping barber problem. जिनके पास नोट्स नहीं, मैं उनके लिए एक बार स्कैन कर देता हूँ नोट्स। Okay, fine. So this is your theory part. This is your diagram to understand the idea. Some semaphore variables and waiting is the copy of a customer. उसके बाद आपका ये main solution यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद आपका ये कोड है किसका, स्टार्टिंग बारबर का कोड है, बारबर के कोड के बाद ये आपका कस्टमर का कोड है, सॉल्यूशन टू बारबर प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद ये आपका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट है और ये आप लोग देख लीजिए, ओके। थैंक यू फॉर टुडे, वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।